इलेक्ट्रिकल के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीढ़ियों की वायरिंग के क्रॉस कनेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीढ़ियों की वायरिंग के समांतर कनेक्शन के बारे में सीखा था, तो आज हम क्रॉस कनेक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम हम इसके वायरिंग डायग्राम से जानना चाहेंगे। इसमें दो टू वे स्विच और एक बल्ब और होल्डर की जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रल वायर को हम इसके होल्डर में जोड़ देते हैं। टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पर हम फेज वायर को जोड़ते हैं और इस टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ते हैं और इस टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट को इसके ऊपर वाले पे जोड़ते हैं। ये दोनों वायर आपस में क्रॉस करते हैं, इसीलिए इसको सीढ़ियों की वायरिंग के क्रॉस कनेक्शन कहते हैं। दूसरे टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से फेज वायर ऊपर बल्ब में चला जाएगा। तो इस प्रकार से टू वे स्विच की वायरिंग करते हैं। अब मैं वायरिंग के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम फेज वायर, लाल कलर का वायर, टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पर आ गया है। अब इसके ऊपर वाले वायर को दूसरे टू वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। ये ऊपर वाला वायर इसके नीचे वाले पॉइंट पे आ गया है और इसके नीचे वाले वायर को ऊपर वाले पे, तो इसके नीचे वाले वायर को इसके ऊपर वाले पे जोड़ दिया है। दोनों वायर आपस में क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इसको क्रॉस कनेक्शन कहते हैं। इसके पश्चात इसके बीच वाले वायर को बल्ब में होल्डर में जोड़ा जा रहा है। तो बीच वाले वायर को यहाँ से ऊपर इसके होल्डर में जोड़ दिया गया है और फर्स्ट वाले वायर पर इसमें न्यूट्रल आ रहा है, तो इसके फर्स्ट वाले वायर पर न्यूट्रल वायर है। इस प्रकार के सप्लाई से न्यूट्रल और फेज आपके इसमें आ रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कनेक्शन के पश्चात, अगर मान लीजिए नीचे से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो ऊपर जाना चाहता है, तो यहाँ से सप्लाई ऑन कर सकता है। तो यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है। अब ऊपर जाकर के उसको मान लीजिए सीढ़ियों में बल्ब को ऑफ़ करना है, तो यहाँ से वो बल्ब को ऑफ़ कर देगा। अब मान लीजिए ऊपर से कोई व्यक्ति वापस आना चाह रहा है और सीढ़ियों में अंधेरा है, तो वो ऊपर से लाइट ऑन कर देगा। और नीचे आकर के मान लीजिए उसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर जाना चाहता है, तो यहाँ से बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से सीढ़ियों की वायरिंग के क्रॉस कनेक्शन किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें, डाउनलोड करें और शेयर करें। धन्यवाद।